चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे फ्रेंड्स। 10 इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुडे, इस सीरीज में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 9 जनवरी 2018 को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 10 बेहतरीन कमाई देने वाले शेयर्स के बारे में, जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके 9 जनवरी को ज़बरदस्त अर्निंग कर पाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें, मेरे द्वारा जो भी स्टॉक्स बताया जाता है, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए स्टॉक्स में मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको 100% अर्निंग होगा ही। इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके और आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। फ्रेंड्स हमारा कल के लिए पहला स्टॉक्स है SBIN। SBIN में हमको देखना है कि 9:45 तक SBIN का ट्रेंड अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी PSU बैंक का भी ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखना है इसमें हमको 310 का, स्टॉप लॉस लगाना है 304 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा ITC। ITC में हमको देखना है कि निफ्टी FMCG का ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और ITC का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और ITC में हमको टारगेट रखना है 286 का, स्टॉप लॉस लगाना है 283 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा PNB। PNB में हमको देखना है कि निफ्टी PSU बैंक का ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और PNB का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे फ्रेंड्स 80 का, टारगेट रखेंगे 83 का। अगला स्टॉक है हमारा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में हमको देखना है फ्रेंड्स कि बजाज फिनसर्व का ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी बैंक का ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, निफ्टी का भी ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और बजाज फिनसर्व में टारगेट रखना 6541 का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है इसमें और जो 100% अचीव होगा ही फ्रेंड्स। और स्टॉप लॉस लगाना है 6440 का, लेकिन ध्यान रहे हमने जो बताया ट्रेंड 9:45 तक, बजाज फिनसर्व का अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी बैंक का भी ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बजाज फिनसर्व में बाय ट्रेड लेंगे। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा अदानी ENT। अदानी ENT में हमको देखना है कि निफ्टी सेंसेक्स 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और अदानी ENT का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखना है इसमें 154 का, स्टॉप लॉस लगाना है 152 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखना है फ्रेंड्स कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी बैंक का ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब बैंक ऑफ बड़ौदा में हम बाय ट्रेड लेंगे। टारगेट रखेंगे इसमें 124 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 122 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा बायोकॉइन। बायोकॉइन में देखना है फ्रेंड्स कि बायोकॉइन का ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी फार्मा का ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब बायोकॉइन में हम बाय ट्रेड लेंगे। बायोकॉइन में आज के दिन का सबसे बड़ा जो है ना फ्रेंड्स टारगेट हम दिए हैं बायोकॉइन में, आपको 637 का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस लगाना है 628 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा सन फार्मा। सन फार्मा में आपको देखना है फ्रेंड्स कि सन फार्मा का ट्रेंड जो है 9:45 तक आप ट्रेंड में रहे और निफ्टी फार्मा का भी ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखेंगे इसमें 454 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 447 का फ्रेंड्स। अगला स्टॉक है हमारा बाय ट्रेड के लिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखना है फ्रेंड्स हमको कि एक्सिस बैंक का ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी बैंक का ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। इसमें टारगेट रखेंगे 663 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 649 का फ्रेंड्स। दसवां और आखिरी स्टॉक है हमारा बाय ट्रेड के लिए बजाज ऑटो।
बजाज ऑटो में देखना है फ्रेंड्स कि निफ्टी ऑटो का इंडेक्स 945 तक अप ट्रेंड में रहे और बजाज ऑटो का अपना ट्रेंड भी 945 तक अप ट्रेंड में रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। इसमें टारगेट रखेंगे हम 2715 का और स्टॉप लॉस लगाएंगे 2690 का। फ्रेंड्स अगर आप मेरे द्वारा बताए गए स्टॉक्स में मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ट्रेड करेंगे तो आज के दिन यानी कि 9 जनवरी 2019 को आपको 100% अर्निंग होगा ही। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपको अर्निंग होता है तो किस स्टॉक में आपको अर्निंग हुआ वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें और अपना नाम भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, लाभ दे रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक भी करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।